हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? ईट हो? वेरी गुड। आज हम टॉपिक बात करेंगे मेनली दसवीं और बारहवीं क्लास के स्टूडेंट के लिए। वह टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कैसे बच्चे अच्छे से अच्छा नंबर लावें बोर्ड परीक्षा में। तो परीक्षा नजदीक आ रही है, सही बच्चे ये सोचते होंगे कि कैसे हम परीक्षा की तैयारी करें, कैसे मार्क्स बढ़िया आवे, हमारा रिजल्ट कैसा हो, हर एक सब्जेक्ट में कैसे हम अच्छा करें। तो चिंता करने की बात नहीं है। अभी कुछ दिन है, जैसे परसों हमारे शिक्षा मंत्री पोखरियाल साहब ये 31 दिसंबर को ये निर्णय लेने वाले हैं कि परीक्षा कब होनी है। ऐसे संभवतः अप्रैल और मई में परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा होनी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, प्यारे बच्चों सुनो, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के चिंता की कोई बात नहीं है। आप स्ट्रांग रहिए, अंदर से बिल पेशेंस रखिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। मैं कुछ आप लोगों को ये कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए और इत्मीनान से आप परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि हम कैसे नंबर अच्छा लावें, बिल्कुल नहीं। आप अंदर से स्ट्रांग बनिए और सीरियली आप परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। ये मत सोचिए कि ठीक है आज नहीं कल करेंगे, परीक्षा टल भी जाती है 2 महीने, तो 2 महीने परीक्षा टलने के बावजूद आपकी तैयारी, आपका प्रिपरेशन कंटिन्यूअस रहना चाहिए। बिल्कुल आलस की भावना, कोई बच्चा आलसी की भावना से ये तैयारी नहीं करे या कंटिन्यूअस। मैं कुछ यहां पर टिप्स लिख रहा हूं, आप यह देखिए और इसके अनुसार आप लग जाइए। पहला टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2021। प्यारे बच्चों, क्लास 10 और 12 के विद्यार्थी, पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। यह आत्मविश्वास आत्मसंकल्प है, अंदर से शक्ति लाता है। जो बच्चे पढ़ने में वे कमजोर हैं, कमजोर कोई नहीं है, कोई कमजोर नहीं होता है। अपने मन की शक्ति को बढ़ाइए। यदि आप दृढ़ संकल्प हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मसंतुष्टि, आत्मविश्वास, सेल्फ ट्रस्ट, यहां पर आत्मविश्वास लाइए। आत्मविश्वास आपको शक्ति देगा, आपकी आपकी आत्मा को जगाएगा कि हमें पढ़ना है, हमें तैयारी करनी है। बोर्ड एग्जाम आ रहा है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सभी विषय आप तैयारी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन पहले आप सिर्फ कॉन्फिडेंट बनिए या विश्वस्त होइए अपने आप को कि मैं जो तैयारी कर रहा हूं सही तैयारी कर रहा हूं और मेरा तैयारी अनुकूल रहेगा, परीक्षा का अनुकूल रहेगा। आप यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हैं, निश्चित रूप से आपका परीक्षा फल, आपका परिणाम बहुत अच्छा होगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्लास पढ़िए। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, प्यारे बच्चों, यह दृढ़ निश्चय शक्ति, दृढ़ निश्चय शक्ति किसी भी बच्चों को, किसी भी व्यक्ति को एक आत्मबल देती है। यह दृढ़ संकल्प आप कीजिएगा, दृढ़ शक्ति आपके मन में रहेगा तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चुमेगी। क्यों आप डरते हैं कि बोर्ड परीक्षा आ रही है नजदीक? डरने कोई जरूरत नहीं है, आप अभी से लग जाइए और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ डिटरमाइंड अपने को, अपने मन को कीजिए, अपने मन को कीजिए कि मैं जो तैयारी कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं और सिलसिलेवार ढंग से, कोई भी सब्जेक्ट आपका हार्ड नहीं है। बहुत से बच्चे डरते हैं कि मैथ बहुत हार्ड आएगा, सोशल साइंस में कैसे क्वेश्चन आए कोई ठीक नहीं है, साइंस में कैसे क्वेश्चन आए, फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरी तैयारी कैसी होगी, कैसे मैं सर नंबर लाऊं। चिंता कोई बात नहीं, मत सोचिए, आप केवल यह स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ पढ़िए, निश्चित ही आपका परिणाम बहुत अच्छा होगा। थर्ड
थर्ड पॉइंट क्या है? हार्ड लेबर, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप डा दिए, यू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू ऑल्सो डेवलप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, लेकिन हार्ड वर्क उसके साथ चाहिए। थॉमस एडिसन का आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। हार्ड वर्क कैन डिफीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। यदि टैलेंट हार्ड वर्क नहीं करता है तो हार्ड वर्क करने वाले विद्यार्थी टैलेंट को मात दे सकते हैं। टैलेंट ये यदि समझता है कि मैं टैलेंट हूं, मुझे हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड दैट कैन बी डिफीटेड बाई हार्ड वर्कर्स। कंटिन्यूअस हार्ड वर्क होना चाहिए, आपका एफर्ट सही होना चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ सही डायरेक्शन में आप यदि हार्ड वर्क करते हैं, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आप क्यों डरते हैं परीक्षा से? परीक्षा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा क्या है? हार्ड वर्क। फिर नाउ टाइम टेबल, टाइम टेबल, इसमें टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम टेबल बनाइए। कैसे? आप परीक्षा, आप दो तीन महीने जो परीक्षा की तैयारी करनी है, यदि कोई विद्यार्थी टाइम टेबल नहीं बनाता है, स्ट्रेटजी बनाइए पहले, आप कैसे तैयारी कीजिएगा बिना स्ट्रेटजी का? यदि आप स्ट्रेटजी या फेवरेबल बना लेते हैं अपने आप को संतुष्टि के लिए, पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस डिटर्मिनेशन के साथ पहले आप टाइम टेबल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट के साथ, के लिए चलिए कि किस सब्जेक्ट को कितने समय पढ़ना है, कब पढ़ना है, मैथ कब तैयारी करना है, मैथ के लिए अधिक अभ्यास करें, अभी अधिक अभ्यास की जरूरत है, सिर्फ प्रैक्टिस जरूरी है। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपका परिश्रम अनुकूल नहीं होगा। तो सही डायरेक्शन मतलब कि पहले आप टाइम टेबल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। विद्यार्थी सफल होने के टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, जो सही विद्यार्थी होते हैं जिनका परिणाम अच्छा होता है, वे सबसे पहले, वे तीन महीने पहले टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं कि हमको इस समय ये मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वे टाइम टेबल को सर बनाते हैं। यदि आपका स्टडी अच्छा रहता है, सर्टेनली यू विल सक्सीड टू गेट सक्सेस, टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, आइदर बोर्ड एग्जामिनेशन और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट शुड मेक व्हाट, टाइम टेबल एंड टाइम मैनेजमेंट। इफ एनी पर्सन, इफ एनी स्टूडेंट फॉलो द टाइम मैनेजमेंट, सर्टेनली यू विल गेट सक्सेस। तो सफल होने के परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए पहले आप टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट बनाइए। स्ट्रेटजी बने, आपकी स्ट्रेटजी अनुकूल हो और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप आज चार घंटा पढ़े, कल दो घंटा पढ़िएगा, कभी एक घंटा पढ़िएगा, और किसी दिन आप यदि ये सोचे कि मैं तो कल एक घंटा पढ़ा था, दो घंटा पढ़ा था, आज क्यों नहीं आठ घंटा पढ़ूं, तो किसी दिन आप आठ घंटा पढ़ते हैं, किसी दिन छह घंटा पढ़ते हैं, किसी दिन दो घंटा पढ़ते हैं, नहीं, दैट इज नॉट गुड। आप यदि अच्छा चाहते हैं परीक्षा परिणाम, तो पहले आपको, यदि आप छह घंटा या आठ घंटा पढ़ते हैं, छह से आठ घंटा तक पढ़ना बहुत जरूरी है बोर्ड परीक्षार्थियों को, और छह से आठ घंटे में आप ये स्ट्रेटजी बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि हमें कितने देर मैथ्स पढ़ने हैं, कितने देर साइंस पढ़ने हैं, कितने देर सोशल साइंस पढ़ने हैं, हिंदी पढ़ने, इंग्लिश पढ़ने हैं, उसके अनुसार यदि आप तैयारी कीजिएगा, सर्टेनली आपकी तैयारी अनुकूल होगी और परीक्षा में जरा भी आप चिंता नहीं कीजिएगा, बिल्कुल खुशी से आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हमने आज जो पढ़ा, हमने जो तैयारी की तीन महीने में, बहुत अच्छी तैयारी की है, इसमें आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिफ्थ है प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स में बहुत कमजोर है, मैं पहले ही बोला आपको हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है, तो यहां पर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला कि टाइम मैनेजमेंट को सर किसी दिन आठ घंटा की छह घंटा पढ़ते हैं, नहीं, ठीक नहीं है, आप निश्चित कर लीजिए कि मुझे छह से आठ घंटा डेली पढ़ना है, तो आपका यह कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होना चाहिए कि हमें यह प्रैक्टिस करनी है। और जो सब्जेक्ट, यदि आप किसी सब्जेक्ट में यदि
आप अपने को कमजोर समझते हैं, पहले उसका आप तैयारी कीजिए। आप यदि कुछ दिनों बाद आपका बोर्ड परीक्षा के या शेड्यूल निकल जाएगा कि किस दिन कौन सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है और जिसकी बाद में परीक्षा होनी है, पहले आप उसकी पहले तैयारी कर लीजिए। जिस सब्जेक्ट का एग्जाम बाद में होने वाला है, पहले उसको आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आपका जो सब्जेक्ट आएगा आप तैयारी कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो पहले जो सब्जेक्ट आपके आप ये समझते हैं कि यू आर वीक इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो पहले आप उसको बढ़िया से कर लीजिए। और जिसमें आप अच्छे हैं उसको भी आपको ऐसा करना है कि कम से कम उसमें सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट में आपका बिल्कुल 90-100% मार्क्स आवे। तो इस तरह से हमारे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे परीक्षार्थियों, बोर्ड के परीक्षार्थियों, सुनिए, आप सभी विषय को ध्यान से पढ़िए और ये नहीं समझिए कि ये इस सब्जेक्ट में हम अच्छा करें और इसमें कुछ कम भी करेंगे। नहीं, यदि आप इफ वांट टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, यू हैव टू डू हार्ड लेबर इन ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली। तो यहां पर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस हो सकता होती है। और फॉलोइंग सिक्स क्या है? सिलेबस। जैसे इस कोरोना पेंडेमिक में, लॉकडाउन में, जो हम टीचर और स्टूडेंट जो पठन पाठन किए, तो ये टेक्नोलॉजी की सहायता से जो घर बैठे बैठे, अब तो खैर स्कूल हम लोग जा रहे हैं, घर बैठे बैठे जो परीक्षा हम लोग जो परीक्षा जो हम लोग तैयारी कराते आ रहे हैं, अब सुने, यहां पर 30% इस लॉकडाउन में 30% सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। 30% सिलेबस इन ऑल सब्जेक्ट, 30% सिलेबस है डिलीटेड बाय सीबीएसई। तो ऐसी बात है कि कम से कम 30% तो डिलीट हो गया। अब 30% डिलीट करने के बाद पहले आपसे मुझे कि सिलेबस हमें क्या है और सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है, 30% डिलीट, कौन कौन चैप्टर डिलीट हो गए हैं। तो जो चैप्टर डिलीट हो गए उसको निकालकर, उसको छोड़कर आप जो टॉपिक पढ़ने हैं, जो चैप्टर पढ़ने हैं, उसको आप सीरियसली आप यह सिलेबस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू करिकुलम, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली। तो यदि आप प्रैक्टिस करते हैं सही रूप से सिलेबस के अनुसार, तो आपकी तैयारी हर एक टॉपिक की भली बात हो जाएगी। यू कैन प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स वेरी प्रॉपरली, नो डाउट। और लास्ट में बोलना चाहता हूं कि यहां पर सेवेंथ, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, इसका मतलब क्या है? हमारे प्यारे परीक्षार्थियों, आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको कितने परीक्षार्थी, यस कितने बच्चे यह सोचते हैं कि मैं 3 घंटा पढ़ लिया, अब हमारे मन में तो याद हो ही गया, अब इसे क्या लिखने की जरूरत है। नहीं, आप जब याद करते हैं तो उसको दूसरे दिन, दूसरे समय आप जब बैठते हैं पढ़ने के लिए, उसको लिखिए। हाउ मच यू हैव किप्ट योर माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एग्जामिन योर सेल्फ, खुद को पहले आप तैयार होइए और खुद को एग्जामिन कीजिए कि मैंने कितना तैयारी किया। बच्चे ये सोचते हैं कि जब तक मैं लिखूंगा 3 घंटा, तब तक तो मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लूंगा और 3 घंटे में मैं बहुत कुछ याद कर सकता हूं, लेकिन यह सोचना आपका सही नहीं है। आप पहले याद कीजिए, ठीक है आप पढ़ लीजिए, लेकिन दूसरे समय आप जब बैठते हैं तो पढ़े हुए चीज को, याद की हुई चीज को आप लिखना बैठिए, क्योंकि 3 घंटे का समय जो है वह आपके लिए कितना आसान हो जाएगा यदि आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कीजिए। जैसे एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के 1 महीने पहले सभी बच्चे प्रैक्टिस पेपर बनाइए और 3 घंटे का एग्जाम आप एकदम बिल्कुल आसानी से दीजिएगा, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि याद करते हैं लेकिन प्रैक्टिस कम करते हैं। यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने का, तो आप 3 घंटे के अंदर सही प्रश्नों का उत्तर सही से दे सकते हैं और रिवीजन के लिए भी आप 10-15 मिनट निकाल सकते हैं। तो जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, वह यह निश्चित नहीं है कि वह 3 घंटे में सही प्रश्नों का परीक्षा, सही प्रश्न का उत्तर वह भली बात दे सकता है। तो इसलिए हमारे माय डियर स्टूडेंट्स, यू डू प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग आफ्टर रिमेंबरिंग द आंसर। रटना नहीं है, समझना है, पहले आप समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आप यदि समझिएगा, अब तो नए नेशनल, न्यू नेशनल पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में यह रूट सिस्टम यह गवर्नमेंट बिल्कुल खत्म करने जा रही है। बच्चे हमारे, रटने पर ध्यान मत दीजिए, आप उसको समझिए। यदि आप समझ जाइएगा कॉन्फिडेंस के साथ, निश्चित रूप से आप समय के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। तो
मैं यही कहना चाहूंगा कि आप याद करने के बाद लिखने जरूर प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। बच्चे या नहीं ध्यान दे कि लिखने से समय नष्ट होता है, नहीं, आप परीक्षा में भली बात आप लिख सकते हैं, सही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं यदि आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव मेड द पॉइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, सिलेबस एंड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। तो दे आर द टिप्स। इफ यू फॉलो दी टिप्स, आई होप दैट सर्टेनली यू विल गेट सक्सेस विथ वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।